दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 धमाल मचा रहा है, जो इस वक्त 42 दिन के चंद्रमा के मिशन पर है। दोस्तों इतनी रफ्तार से वो चल रहा है कि कमांड 10 में अगर थोड़ी भी गलती हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन चंद्रयान 3 दोस्तों ऐसी गुड न्यूज़ दे रहा है जो भारत के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। वही पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो चुकी है। देखा जाए दोस्तों आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 इस वक्त कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उसे 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, इस वक्त तो क्या कर रहा है और कौन सी जानकारी उसने इसरो को दी है जिससे लगातार नासा भी हिल चुका है, क्योंकि दोस्तों इसका रॉकेट तो पहले ही दिन अलग हो गया था, तो अब इतनी रफ्तार कैसे इस पकड़ ली है। देखा जाए उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। इसरो के ऑफिस से कंट्रोल किया जा रहा है चांद पर उतरते वक्त। इस बार इसरो ने वो कौन से सीक्रेट तकनीक रखी है जिससे जो गलतियां चंद्रयान 2 में हुई थी वो गलतियां नहीं होने वाली हैं, जिस पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 ने पर्सनल मॉड्यूल में कौन सा ईंधन इस बार भरा हुआ है और लगातार फायर किस तरह से किया जा रहा है, सोचिए दोस्तों अगर वो जरा सी देर और फायर हो जाए तो क्या हो सकता है। दोस्तों भारत के रॉकेट यान से जुड़ी तमाम जानकारी आपको कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगी। और आपको बताया चले इससे लगातार धमाल मच रहा है भारत का। लेकिन उससे पहले दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर ताज़ा अपडेट आपको बताते चले, क्योंकि देखा जाए 25 जुलाई को सबसे बड़ा गेम होने वाला है। मतलब ये कि दोस्तों अब चंद्रयान 3 धरती से 71 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और अभी 1,00,000 किलोमीटर की दूरी को पार करके चला जाएगा। देखा जाए इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, सिग्नल कट मिशन जो चंद्रयान की हाईवे पर डाला जाएगा। लेकिन दोस्तों इस दौरान पेट्रोल और डीजल तो अब किस ईंधन से चल रहा है चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान मिशन किस फ्यूल से बना है ये भी सवाल खड़ा होता है। वही देखा जाए अगर 46,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्तों धरती से दूर जा रहा है चंद्रयान, देखा जाए लगातार वो अपने ऑर्बिट चेंज कर रहा है। इस तरह जब भी कोई उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो ठीक इसी तरह से उपग्रह को भी लॉन्च किया जाता है, जिस तरह से चंद्रयान को लॉन्च किया गया, जबकि धरती से एक खास दूरी पर यह पहुंच जाता है और ये उपग्रह को छोड़ देता है और देखा जाए उससे अलग हो जाता है, सैटेलाइट कक्षा में रहता है क्योंकि उसे ही उपग्रह में मौजूदगी मिलती है, रॉकेट से मिली ऊर्जा और इससे नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे दूरी दिशा खींच रहा है और संतुलन में सैटेलाइट को पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है कुछ उसी बेस पर इस बार चंद्रयान को भी लॉन्च किया गया है अगर देखा जाए, लेकिन इसका बर्ताव पूरी तरह अलग होने वाला है। अब संवेदक कारण ये हो सकता है कि लगातार जिस तरह से इसकी स्पीड मायने रख रही है और ये ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, बात यह भी निकल के आ रही कि ये चारों तरफ घूमता रहेगा लेकिन एक समय आने पर इसकी स्पीड तेज की जाएगी, जब ये देखा जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की ओर रफ्तार भरेगा और यहीं से चंद्रयान 3 का अगला टाइम टेबल सेट कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार बता दें कि बेहद खास है क्योंकि चंद्रयान 3 ले जाने वाले 3 स्तरीय रॉकेट LVM-3 रॉकेट की ऊंचाई 43 किलोमीटर है। वही देखा जाए दोस्तों रॉकेट का वजन 642 टन आकी जा रही है और देखा जाए इस रॉकेट की लगभग 200 स्टेजें हैं। सॉलिड फ्यूल को सेकेंड स्टेज में फिर से फ्यूल दिया जाएगा और फिर से एक तेज रफ्तार भर लेगा और इंजन लगातार इन्हीं फ्यूल का इस्तेमाल करता आ रहा है। आप जान रहे होंगे कि लगातार फायर देने की बात सामने निकल के आती है तो इन्हीं सब फ्यूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही बताते चलें कि इसके बाद दोस्तों चंद्रयान सही तरीके से अगर काम करता है तो आने वाले कुछ ही दिनों में 42 दिन का सफर रहा यानी देखा जाए तो 32 दिन बाद पूरा पहुंच जाएगा चांद पर। दोस्तों रॉकेट के ऊपर स्टेज लगाया जा रहा है, दोस्तों देखा जाए क्रिनकल रॉकेट इंजन के इंगलर फ्यूल में लगातार ऑक्सीडर पंप दिया जा रहा है और आपको बताया चले बड़ी बात यह है दोस्तों कि इंजन में फ्यूल के लिए एल्विट ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है, क्योंकि ईंधन का बात निकल के आ रहा था पेट्रोल डीजल नहीं, लेकिन आपको बताया चले इसमें फ्यूल के लिए लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है। वैसे आपकी क्या राय है चंद्रयान 3 को लेकर जिस तरह से लगातार अपनी दूरियों को कम कर रहा है और चांद पर पहुंचने के लिए तैयार होता जा रहा है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं देखा जाए इसमें एक फ्यूल के लिए 2 टैंक लगाए गए हैं जिसमें खासतौर पर हाइड्रोजन लिक्विड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन भरा है। देखा जाए अब दूसरा सोलर एनर्जी का भी इसमें एक बैटरीज लगाई गई हैं और देखा जाए पेट्रोल डीजल का इसमें कोई भी यूज नहीं किया गया है, इसीलिए सबसे अलग ये एक नया मॉड्यूल रहा है चंद्रयान 3 जो दुनिया को हैरान कर दिया। बिना पेट्रोल डीजल ईंधन के इन्होंने रॉकेट के भेजा और देखा जाए पेट्रोल डीजल की ना उपयोग करने से एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जहाँ पेट्रोल डीजल काफ़ी ज़्यादा जगह घेर रहा था वहाँ पर अब गैस का उपयोग कर काफ़ी जगहों को बचाया गया, इसलिए चंद्रयान 3 काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांस लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें चलें
दोस्तों की 1 अगस्त को बड़ा काम फिर से होने वाला है, क्योंकि इस दिन इसरो वैज्ञानिकों को इंतजार है कब चंद्रमा 3 और चांद अंतरिक्ष में एक लाइन के अंदर आ जाएगा, यानी कि देखा जाए प्लेन में मौजूद हो जाएगा, यानी सीधी रफ्तार में जाएगा चांद की तरफ, यानी जो अभी ऑर्बिट में घूम रहा है वो सीधा स्ट्रेट लाइन होते हुए चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ेगा। दोस्तों चांद के पास पहुंचने के बाद फिर से ये 5 ऑर्बिटों में बढ़ जाएगा, और देखा जाए 5 ऑर्बिटों के चक्कर लगाते लगाते ये 17 अगस्त को देखा जाए उसके पास पहुँच जाएगा। इसरो वैज्ञानिक कोशिश करेंगे चंद्रयान 3 की कक्षा को पकड़ लिया जाए, और देखा जाए कि आखिर 4320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद के अगले कक्षा में ये एंटर करेगा। अगर दोस्तों सब कुछ सही ढंग से हो रहा है, जिस तरह से प्लानिंग बनाई गई है चंद्रयान 3 को लेकर, तो 23 अगस्त को मॉड्यूल चांद पर होगा। वैसे आपकी क्या राय है चंद्रयान 3 को लेकर, इस खास खबर में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।